नाजरीन आदाब, जनाब टीवी की ताजा तरीन खबरों के साथ आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर और डालते हैं एक नजर आज की शह सुर्खियों पर। Thank you.
की तरह पूरी मेहनत कर रहे हैं और हर जगह पहुंच रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं। बाकी रहा सैनिटाइजर का, जब से ये वबा का चला है हम कोशिश कर रहे हैं कि साफ सफाई और सैनिटाइजर पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं और मेरी पूरी टीम, हर वार्ड मेंबर, हर हमारे डिपार्टमेंट का आदमी, जाए उसमें ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या बाकी जितने भी सेंट्री सुपरवाइजर है या जितने भी हैं, दिल पूरी मेहनत से वो काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से। ये आपने भी देखा होगा, बाकी रात सैनिटाइजर का कोशिश कर रहे हैं कि हम डोर टू डोर सैनिटाइजर रोज करें, लेकिन उसके लिए एक चीज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कोई रह भी जाता है उसके लिए हमने अपने पूरे नंबर जितने भी हैं, हमारे पूरे ग्रुपों में चल रहे हैं, हमारे वार्ड मेंबर्स भी हैं, अपने अपने वार्ड में काम कर रहे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट आपके माध्यम से या लोग उनसे कांटेक्ट करें। अगर कोई घर रह जाता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पीछे रहा सफाई का, अब चार पाँच दिन से जब हमारी गाड़ी डोर टू डोर जा रही है, जहाँ जहाँ वो गाड़ी जा सकती है वहाँ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, गंदगी कम फैल रही है गलियों में। उससे ये है कि मेरे चार पांच स्वीपर जो हैं वो हमें अक्सर हो गए हैं, उनको हमने सैनिटाइजर पे लगा दिया है। हमने अपनी ये पूरी टीम जितनी भी है हमारी, हमने इसके चार पार्ट किए हैं जो बारी 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 काम कर रहे हैं। देखिए हमारे 17 वार्ड हैं, 17 में तो जहाँ जहाँ गाड़ी जाती है वहाँ तो हम गाड़ी से सैनिटाइज करवा रहे हैं। उसके बाद हर वार्ड में दो दो आदमी जाते हैं, दो शिफ्ट में, एक तो सुबह एक दो बजे के बाद, ये पूरी सैनिटाइज कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें और घरों में ही महदूद रहें। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमारे वार्ड मेंबर जितने भी हैं वो हैं, उनसे कांटेक्ट करें, या किसी ने हॉस्पिटल जाना है या दवाई लेने भी जाना है उसके लिए भी हमारे वार्ड मेंबर कभी मना नहीं करेंगे, और वो वार्ड मेंबर पूरी अपनी जान जोखिम में डाल के पूरा काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी दाद देता हूं कि जरूर इस पूरे इस वबा को फैलने से अभी तक रोका है, और मैं कहता हूं कि आगे भी ऐसा रहे। और लोगों से एक बार फिर मैं अपील करता हूं कि खुदा के लिए अपने अपने घरों में बैठे, भगवान के लिए अपने अपने घरों में बैठे, और ये जो दिन है ये किसी तरीके से निकालें और हम इस वबा से मुक्त रहें। को यहाँ पे इनने SRO 24 में लगाया था मार्च में, लास्ट ईयर 2019 में मार्च में हमें यहाँ पे इनने लगाया इसमें SRO 24 में,
जिस टाइम इनकी जब गवर्नमेंट ने नई जीएमसीज यहाँ पे दे दी, 5 GMC जो नई आई थी जिसमें कुठवा, राजौरी, डोडा, अनंतनाग, बारामूला, जो 5 GMC थी, उस टाइम हमें लगाया गया, कहा गया ये आपका जो होगा टाइम पीरियड है इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ये आगे जाएगा 5 साल 3 साल या 6 साल का, इनने हमें कहा। उस टाइम इनको हमारी ज़रूरत थी, इनने हमें वहाँ पर रखा, कहा आप लोग यहाँ पर काम करो, फास्ट ट्रैक पर हमें लगाया गया, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट पर हमें लगाया गया। बाद में कल रात को हमें सुनने में आया, हमने खुद देखा व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एकदम से न्यूज़ आती है कि जो स्टाफ नर्सेज हमारी कठुआ में हैं उनको निकाल दिया जाता है। आज सुबह सुनने में आया निजी राजौरी वालों को भी निकाल दिया गया। अगर निकालना ही था तो फिर लगाया क्यों था? इस वक्त कुछ लड़के हमारे कश्मीर से, हमारे कलीग से, जो कोई BSc कर रहा है, कोई MSc कर रहा है, सब छोड़ के आ गए। किसके पीछे? कि यार अभी इस टाइम रोज़गार लग गया तो चलो हमारा भी घर चलेगा। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इसी 30,000 से 5 बंदे घर के खाना खा रहे हैं। अगर इनको बीच में निकाल दिया जाएगा, ना ये अब उन डिग्रीज के रहे, ना ये घर के रहे अपने। अच्छा, इस वक्त इतनी बड़ी यहाँ पे इतना पैंडेमिक चल रहा है COVID-19 का, गवर्नमेंट कह रही है ले आओ जी जो भी रिटायर हुए सारे आ जाओ जी वापस। अब उनको वापस लाने से अच्छा जो है उनको रखो, उनको वापस ला के क्या करना है? जो काम कर रहे हैं आपके पास 1 साल से उनको रखो। रिटायर तो गवर्नमेंट इसीलिए करती है ना एक बंदे को, कि उनको पता होता है कि अब इस बंदे से कितना इसमें पोटेंशियल है, कितना काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमें 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था ये, और कॉन्ट्रैक्ट पे ये भी लिखा गया था कि आपको एक्सटेंड करेंगे हम अप टू 6 ईयर। आपका यहाँ पे सारा काम देखिए, इस हॉस्पिटल में सारा सिस्टम, और उस बेस पे हमने वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट हमने अपने HODs से, हर डिपार्टमेंट से लिए हैं। उन्होंने हमें एक्सीलेंट दिया हुआ है, हर एक स्टाफ के मेंबर्स को, हर एक डिपार्टमेंट के मेंबर्स को दिया गया है एक्सीलेंट, बिकॉज हमने अच्छे से इनका काम चलाया है। अपने GMCs को हमने स्टार्ट किया है, हमने यहाँ पर सारा काम स्टार्ट किया है। जितने भी न्यू यहाँ पर डिपार्टमेंट्स खुले, ICU CCU जितने भी हैं वो हमने स्टार्ट किए हैं। देन अब सर हमारा जो 1 ईयर कम्प्लीट होगा 11 मार्च को, अब ये बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं, और 1-2 कॉलेजेस को टर्मिनेशन लेटर दिया भी गया है। हमारी यही डिमांड है, हमें एक्सटेंड करें, हमें ये एक्सटेंशन ये 2 या 3 मंथ्स की नहीं चाहिए, हमें आप टू 1 ईयर 3 ईयर या 4 ईयर की चाहिए, और ये हमें यहाँ पे ऑफिशियली मिलनी चाहिए। हम जो ये हमारा है यहाँ पे प्रोटेस्ट, हम कंटिन्यू रखेंगे, जब तक हमें हिम्मत होगी हम लड़ेंगे, आगे जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। सर COVID-19 में अभी हमने अच्छे से काम किया, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम स्टाफ जितने हैं आइसोलेशन वार्ड में हमने ड्यूटी कर चुकी, हमारे पास यहाँ पे रोस्टर पड़े हुए हैं सबके। सर यहाँ पे इस टाइम तो हर एक इंसान घर में बैठा हुआ है, और हम एक सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट है जो इस बीमारी से, इस वायरस से लड़ रहा है यहाँ पे। और इनको ये भी मतलब इस चीज़ का भी समझना चाहिए कि अगर हम इतना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं इनके लिए, तो इनको भी हमारे बारे में इतना सोचना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुँचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, इंशाल्लाह जिंदगानी रही, फिर मुलाकात होगी। आदाब।